أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل نزل उसने नाजल किया। नज़ला युनज़िलु तंजीलन, नज़ला युनज़िलु तंजीलन जो है तंजील तफ़ील का वज़न है। तदरीज के साथ, तसलसल के साथ, इस्तकामत के साथ कोई चीज़ नाजल करना। नज़ला अलैकल किताबा, तो ये एकदम ही नाजल नहीं की गई बल्कि ये किताब तंजील हुई है 22 साल और कुछ महीनों में, 23 साल से कम अरसे के अंदर ये पूरी किताब नाजिल कर दी गई। अलैक आप पर, ए रसूल पाक आप पर ये किताब नाजिल हुई। अल किताबा, ये किताब बिलहक़ की, बे का मतलब के साथ, अलहक, हक भी उर्दू का कलिमा है। मुसद्दिक़न, तस्दीक करने वाली। मुसद्दिक़ का लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, मीम तो वाले के मानी में होता है और सिद्क़ का कलमा सच्चाई, सच्चाई वाला। मुसद्दिकन जो तस्दीक कर दे, सच्चाई को बता दे। लम्मा, लम्मा लाम के लिए माँ जो के बैना यदैही, बैना दरमियान में, यदैही उसके हाथों के, उसके हाथों के दरमियान यानी उसके जो सामने है। व अनज़ला, वाओ के मानी और, अनज़ला जो नाजिल किया गया। अत्तौराता तौरात, वल इंजीला वल इंजील, उसने ये किताब नाजिल की जो हक लेकर आई। नज़ल किताब बिलहक़ की, हक के साथ जो किताब आई है वो आपके साथ 23 साल के अरसे में नाजिल फरमाई। मुसद्दिकन, ये तस्दीक करने वाली है। लिमा उनकी, उन किताबों की, उन किताबों की तस्दीक कर रही है जो पहले से आई हैं। हमने पहले, बैना यदै का मतलब होता है सामने, ये मुहावराती ज़बान है। मेरा एक हाथ ये है, एक हाथ ये है, दोनों हाथों के दरमियान क्या है जो मेरे सामने है, सामने। वह अनज़ला, जो इससे पहले आई थी किताबें, उस पर भी उसकी तस्दीक करती है। और इससे पहले इंसानों की हदायत के लिए, और इससे पहले इंसानों की हदायत के लिए जो तौरात और इंजील नाजिल कर चुका है, उसने ये किताब नाजिल की जो हक लेकर आई और उन किताबों की तस्दीक कर रही है जो पहले से आई हुई थीं। और इससे पहले वो इंसानों की हदायत के लिए तौरात और इंजील नाजिल कर चुका था। इन आयात को एक दफ़ा फिर तलावत ख़ुद कीजिए, अरबी मुबीन पढ़ते हुए देखिए, क्या बात पूरी अंदर उतर रही है? क्या ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें? अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमारा हदफ है और यह हदफ पूरा हो गया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर।